टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब नज़दीक में है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है। टैक्स पेयर्स के पास अब महज 7 दिन ही शेष रह गए हैं। हालांकि जैसे जैसे रिटर्न भरने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल पर परेशानियाँ भी सामने दिखने लगी हैं। फिरोजाबाद काच नगरी है, देश विदेश से यहाँ के उद्योग जुड़े हुए हैं, वहीं टैक्स पेयर्स भी यहाँ बड़ी तादाद में हैं। पर अब सभी परेशान हैं क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्टल अब सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी फाइल सबमिट भी नहीं हो पा रही है। दरअसल ITR फाइल के लिए इनकम टैक्स पोर्टल काफ़ी स्लो चल रहा है। पिछले वर्ष की फाइलें डाउनलोड तक नहीं हो रही हैं, जिसके चलते अब रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते टैक्स वकील हो या CA सभी यही डिमांड कर रहे हैं, हो सके तो कुछ समय बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को दिक्कतें सामने ना आए। पोर्टल की किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, इस समय इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरने की जो नॉन ऑडिटेड रिटर्न भरने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें सभी वेतन भोगी और सभी बिजनेस क्लास शामिल हैं, तो उनकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2024 है। परंतु हम पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं और लगातार सरकार को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि पोर्टल चलने में दिक्कत आ रही है, जो डाटा है वो प्रॉपरली फैच नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी जब ये आप अभी मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं अभी रिसेंटली एक रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो उसमें लास्ट ईयर का रिटर्न तक डाउनलोड नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बिना डाटा फैच हुए, बिना पिछले डाटा को ओपन किए हुए किसी भी रिटर्न को फाइल कैसे किया जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी विषय है। इस बात को लेकर सरकार गंभीरता से इस पर विचार करे, क्योंकि ये सभी आम लोगों के हिस्से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें लोगों के रिफंड से संबंधित कई प्रक्रियाएँ होती हैं, जो कि अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरेंगे तो वो हमें रिफंड नहीं मिलेगा, उसमें लोगों को नुकसान होगा। तो मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है, कृपया करके इस समस्या को गंभीरता से लें और या तो पोर्टल की ग्लिचेस को दूर कर रहे हैं इमीडिएटली, यदि नहीं हो रही हैं तो कृपया करके अंतिम तिथि बढ़ाएं, जिससे कि ये जो मानसिक दबाव प्रोफेशनल्स पे और टैक्स पेयर पे बन रहा है, उससे कम वो बाहर आ सके।